हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। और आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसी एंट्री कर सकते हैं टैली में कि कुछ पैसे उधार भी रहे, कुछ पैसे आप पेमेंट भी कर दें। तो कुछ ऐसी एंट्री हम करने वाले हैं, तो चलिए आइए चलते हैं सेल्स वाउचर में और ऐसी एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में, तो आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएं, यहां से वी प्रेस करें। तो यहां पे देखिए मैं सेल्स वाउचर में हूं। अगर आप सेल्स वाउचर में नहीं आ पाते हैं तो आप F8 की फंक्शन बटन प्रेस करिए और आप सेल्स वाउचर में होंगे। अब यहां पर आपको देना है रेफरेंस नंबर, तो ध्यान से देखिए मैं यहां पर रेफरेंस नंबर क्या दे रहा हूं, 77777, यानी 5×7 दिया है हमने, ठीक है। इस रेफरेंस नंबर को आप याद रखिएगा और जो डेट, जिस डेट पे हम ये सेल कर रहे हैं वो डेट जो है वो भी ध्यान रखिएगा। यहां पर डेटर पार्टी का लेजर आएगा, पहचान के लिए मैंने यहां लिख दिया है डेटर, ईशा डेटर लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। अगर इंटरेस्ट स्टेट का मामला होगा, ये इंटरेस्ट स्टेट क्या होता है, यानी कि जिस जो पार्टी है वो किसी और स्टेट की हो और जो बेच रहे हो वो किसी और स्टेट के हो, उसे हम इंटरेस्ट स्टेट कहते हैं। तो यहां पर न्यू कॉलोनी देवरिया, मैं अभी सेम स्टेट ही रखता हूं इसको, ठीक है। एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। यहां पर आएगा सेल्स का लेजर, तो यहां सेल्स का लेजर लगा दिया हमने। अब यहां पर कुछ आइटम्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए, यानी पहले से हम परचेज कर रखे होंगे, उन्हीं आइटम्स के बारे में हम उसी को सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड हमने रखा है, तो कीबोर्ड के कुछ आइटम हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड आ गया है, ठीक है। इंटरप्रेस करेंगे, यहां पर क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। तो अगर हम 12 क्वांटिटी इसकी सेल करते हैं, ठीक है, तो यहां पर 12 हो गया। और इसकी कॉस्ट क्या रखेंगे हम अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, जो हमारी खरीद रेट पड़ेगी उससे ज्यादा कॉस्ट रखना है हमें। अब ये आपको डिसाइड करना है कि कितने रुपए में आप बेचते हैं, ठीक है। 240 रुपए में मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो टोटल कॉस्ट जो है 2880 रुपए आ गई है, ठीक है। इंटरप्रेस करके नीचे आएंगे, यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर हमको लेजर लगाना है सीजीएसटी आईजीएसटी का, तो यहाँ सीजीएसटी का लेजर लगा दिया हमने और फिर एसजीएसटी का लेजर लगाएंगे, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है। अगर अदर स्टेट का मामला होता तो हम आईजीएसटी डायरेक्ट लगा देते, तो यहाँ एसजीएसटी लगा दिया हमने, तो 230 रुपए 40 पैसे ये आ गया, ठीक है। अब इंटरप्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, तो यहां पर देखिए तुरंत ये बॉक्स अपियर हो गया है आपके सामने। इसमें आपको करना है न्यू रेफरेंस, ठीक है। अगर ये बॉक्स नहीं आता है तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये बॉक्स कैसे अपीयर होगा। तो अभी हमें न्यू रेफरेंस रखना है, इसको एंटरप्रेस किया हमने, ठीक है। अब कुल मिलाकर के कितना अमाउंट हो रहा है, 3340 रुपए। तो ये 3340 रुपए का जो अमाउंट है ये हमारा टोटल अमाउंट है, ठीक है। अब यहां पर देखिए आ रहा है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, कितने दिन तक आप, कितने दिनों में इसे चुका देंगे, नहीं तो हम एक्शन ले सकते हैं, कुछ और भी ज्यादा ब्याज चार्ज कर सकते हैं उस पर। तो मैं यहां पे 10 दिन लिख देता हूं, ठीक है। 10 दिन के अंदर ये जो बकाया पैसा है वो चुका देना होगा, ठीक है। तो ये 12 अप्रैल यहां पर आ चुका है, जैसे करंट डेट जो आपके सिस्टम में शो करेगा, जो आपने टैली में रखा होगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। अब इसके बाद से डेबिट यहां पर आ रहा है, अब इसके बाद से एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री हुई है, ठीक है, उसको देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे हम। तो यहां पर डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ये सेल्स वाउचर वाली एंट्री जो कि 3340 रुपए की हमारी है, ये यहां पर हो चुकी है, ठीक है। ये 2 अप्रैल में हुई है और इसका रिसिप्ट नंबर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के कितने हैं, 3340 रुपए, और कुल मिला के कितने आइटम है, यहाँ पे आइटम भी शो हो रहा है, 12 आइटम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो बकाया हमारा रह जाएगा यानी हमने कितना दिया होगा उसकी एंट्री करनी है, यानी कि जो पैसा हमें ग्राहक से मिलेगा उसका बिल हमें उसे देना है, हमें पूरे का बिल नहीं देना है। तो हमें चलना है कहां, रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए हम पहले चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, तो यहाँ वी प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। इसके बाद से क्या करना है, F6 प्रेस करना है रिसिप्ट वाउचर के लिए, तो यहाँ रिसिप्ट वाउचर में आ गए। यहां पर आपको रखना है कैश, तो यहाँ कैश रख लिया हमने। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर देना है आपको डेटर पार्टी का नाम, तो जो भी डेटर पार्टी है उसका नाम हम यहाँ पे दे देंगे, जैसे ईशा डेटर है तो यहाँ पे ईशा डेटर का नाम हम दे देते हैं, ठीक है। और ये कितना रुपया पेड कर रही है, जैसे 3700 कुछ रुपए हुआ था, तो सपोज कीजिए कि ये 2500 रुपए पेड करेंगी और 2500 रुपए के बाद का जो पैसा है वो बकाया रह जाएगा, ठीक है। तो 3340 माइनस 2500 यानी बाकी का पैसा बकाया रह जाएगा। अब यहाँ आपको अगेंस्ट रेफरेंस करना है, अगेंस्ट रेफरेंस क्यों करेंगे, इतने समय कुछ पैसे बाकी लगा चुके हैं जो कि सेल्स वाउचर में आप देख चुके हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, अब यहाँ पे देखिए पेंडिंग बिल जो होगा आपके पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आइटम है पेंडिंग बिल का, ठीक है। तो इसमें पूरा पैसा दिया नहीं गया है, तो आप एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे,
ठीक है, तो यहां एक्सेप्ट कराया हमने, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, इसको इंटरप्रेस करके और इसको पूरा एक्सेप्ट करा लेंगे हम, तो ये हमारी एंट्री हो गई पूरी। इस तरीके से हम अब जो भी हमें बिल देना है वो यहां से आकर के डिस्प्ले में चलेंगे हम, और यहां से जो रिसिप्ट वाउचर में हमने एंट्री करी है ये वाली, यही बिल हम निकाल करके और पार्टी को दे देंगे, ठीक है, बाकी का पैसा बकाया है तो इस वजह से यही बिल हम दे देंगे पार्टी को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये पेंडिंग बिल वाला हिसाब किताब हम कैसे बना सकते हैं, कुछ पैसे बाकी रहे, कुछ पैसे दे दिए अगर ग्राहक ने, तो इसकी एंट्री हम कैसे कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आया होगा, तो समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं हमें। डबल क्लिक करता हूं इस पे, आइए देखते हैं बिल हमारा कहां पे शो हो रहा है। तो पेंडिंग के नाम से हमने सेव किया था, तो आइए देख लेते हैं, ये देखिए ये बिल है हमारा, डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और यही पेंडिंग बिल उन्हें दे दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप रिसिप्ट वाउचर में जो हमने एंट्री करी है, यानी कुल मिला के इन्होंने 2500 रुपए दिए हैं, बाकी के पैसे इन्होंने बाकी लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।